नगर निगम के चुनाव पास आने की वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आरंभ हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोलन नगर निगम चुनावों के लिए सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा को चुनाव प्रभारी बनाया है। राजेंद्र राणा वे नेता हैं जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल को हराकर हिमाचल की राजनीति में नया अध्याय जोड़ा था। उन्होंने प्रभारी बनते ही सोलन में प्रेस वार्ता कर ये ऐलान किया कि कांग्रेस सोलन में बहुमत हासिल करेगी और नगर निगम सोलन में कांग्रेस का मेयर ही सत्ता संभालेगा। लेकिन ये बात भाजपा नेता खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया को रास नहीं आई और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो प्रभारी बनाया है वे पंचायती राज चुनावों में अपने गृह क्षेत्र में कांग्रेस को जीत नहीं दिलवा पाए, वह सोलन में क्या जीत हासिल करवाएंगे। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने राजेंद्र राणा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र राणा के सोलन के कांग्रेस कार्यकर्ता गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके सुजानपुर मंडल में 50 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें से 38 पंचायतों में भाजपा के प्रधान और उप प्रधान विजय रहे हैं, केवल 8 में कांग्रेस विजय रही है। उन्होंने कहा कि वहीं बीडीसी की 28 सीटें हैं जिसमें से 23 पर भाजपा विजय रही है, इसलिए पहले वे अपना चुनावी क्षेत्र तो सुधार लें, उसके बाद सोलन के जीतने के सपने देखें। कांग्रेस के प्रभारी हैं जिनके बारे में कांग्रेस ने तारीफों के पुल बांधे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं उनके सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मंडल में 50 ग्राम पंचायतें हैं, उन 50 में से 38 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान उप प्रधान बने हैं, 8 पर केवल कांग्रेस के हैं, 4 पर इंडिपेंडेंट चुने गए हैं, बीडीसी के 28 वहाँ पे सीटें हैं, उन 28 सीटों में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 5 कांग्रेस ने जीती हैं। पहले वो अपनी कंस्टिट्यूंसी तो सुधार लें, सोलन के जीतने के सपने तो बहुत दूर हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ।